Hello friends, welcome all to RealMech. Today we will start the next lecture of thermodynamics, lecture number 4. In last lecture we studied that ki first law of thermodynamics ke liye heat and work transfer dono ko padhna bahut zaruri hai. To work transfer humne last lecture mein padha tha, lecture number 3 mein, you can see from there, and heat transfer ab hum padhenge. Theek hai, वर्क की तरह हीट ट्रांसफर भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कब कंसिडर करती है, जब वो बाउंड्री को क्रॉस करती है. ओके फ्रेंड्स, ठीक है. सो हीट ऑल्सो ट्रांजिएंट फंक्शन, इट इज ऑल्सो ए ट्रांजिएंट फिनोमिना. ओके, हीट ट्रांसफर का मेन रीजन जो रहता है वो रहता है टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, हीट ट्रांसफर को एक फ्लो फ्लूड की तरह देखा गया फ्रेंड्स, कि जैसे मान लो हीट को एक फ्लूड की तरह देखा गया, कि एक हीट जो है किसी एक पॉइंट से पर्टिकुलरली दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो हो रही है. जब बाद में देखा गया ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन पता चला कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है. अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट हमेशा फ्लो कर जा रही है. ठीक है, सो हीट ट्रांसफर इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वर्क ट्रांसफर की फॉर्म होती है दैट इज ओनली हीट ट्रांसफर. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है दैट इज ओनली हीट ट्रांसफर. इसके अलावा जो भी एनर्जी ट्रांसफर की जो फॉर्म होती है वो सारी की सारी वर्क ट्रांसफर होती है. ओके, एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म में. ठीक है, अच्छा, अब हीट ट्रांसफर के तीन टाइप के मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन के अंदर एक हीट ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, कन्वेक्शन के अंदर मीडियम की आवश्यकता तो होती है, बट मीडियम कैन ऑल्सो फ्लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ठंडी हवाएं चलना, गर्म हवाएं चलना, दीज ऑल टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन. बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर. एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन. रेडिएशन के अंदर हीट ट्रांसफर के लिए हमें कोई भी टाइप के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल हम रोज देखते हैं जो हमारा सन है वहां से हमें एनर्जी मिलती रहती है डायरेक्ट, तो बीच में स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं है तो हमें फिर भी एनर्जी मिलती रहती है. ठीक है, उसके बाद में ये मैंने बताई दिया आपको कि हीट की तरह वर्क की तरह हीट भी एक बाउंड्री फिनोमिना है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है. ठीक है, अच्छा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हीट ट्रांसफर हो गया तो क्या टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा? नो. जैसे मान लो मैंने एक सिस्टम है उसके अंदर हीट ट्रांसफर किया, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका टेम्परेचर बढ़े. इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो बर्फ है. ठीक है, अब बर्फ को आप गर्म करोगे तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना. ठीक है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, उस टाइम उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगी. हो सकता है वहां हो सकता क्या होता ही है, वहां पे फेज चेंज हो जाए. ठीक है, तो फेज चेंज विल बी देयर बट नो टेम्परेचर चेंज इज देयर. टेम्परेचर चेंज होना जरूरी नहीं है हीट ट्रांसफर की वजह से, टेम्परेचर चेंज होना जरूरी नहीं है, जबकि टेम्परेचर चेंज की वजह से हीट ट्रांसफर जरूर होता है. उसके बाद में टेम्परेचर डिफरेंस एक्ट्स एज ए पोटेंशियल. ठीक है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो एक रीजन की तरह काम करता है जिससे कि हीट ट्रांसफर हो जाए, और हीट ट्रांसफर जैसे होती है वो एक फ्लक्स की तरह होती है. ठीक है, जैसे करंट नहीं देखते अपने, करंट किस, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, करंट क्यों फ्लो होता है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. तो हीट ट्रांसफर एक करंट की तरह बिहेव करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस रहता है. ओके, अब तो हीट ट्रांसफर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, पोटेंशियल जो रहता है, जो पोटेंशियल है ये वाला, और चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वी डोंट नो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. भाई कोई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आ रहा है. ठीक है, दैट इज डी एक्स, और एक पोटेंशियल. ठीक है, जैसे वर्क क्या लेते थे, वर्क क्या था, प्रेशर इंटू डी वी, चेंज इन एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटू प्रेशर. सिमिलर वे में हमने हीट को डिफाइन कैसे किया, कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू चेंज इन सम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. आई नो मैनी फ्रेंड्स नोज दिस, की भी ये जो चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे डीएस ही लिख दो डायरेक्ट, टी डी एस. लेकिन फ्रेंड्स डीएस क्या होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज. और एंट्रोपी अब तक हमने पढ़ा नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू अवर लेक्चर्स, अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी, वी डोंट नो वॉट इज एंट्रोपी.
हमने डायरेक्ट क्या लिखा, कोई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें चेंज इनटू दैट पोटेंशियल, और पोटेंशियल में पता है टेम्परेचर होता है। ये जो है प्रॉपर्टी, ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी, 3-4 लेक्चर के बाद में, तो ये प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका इतना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है, एंट्रोपी अभी आपको देखना इतना जरूरी भी नहीं है। तो आप बस इतना ध्यान रखो, चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर आपको पता है कि ये एक एंट्रोपी होती है तो अच्छी बात है। ओके, सो डीएक्स इज इक्वल टू टी डीएक्स। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल, सॉरी दिस प्रोसेस। तो अब हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर और दिस टाइम दिस एक्स प्रॉपर्टी दोनों के अंदर एक ग्राफ बनाएंगे, जिसे पी और वी के बीच में बनाया था, और ये ग्राफ एक पैटर्न 1 to 2 को फॉलो कर रहा है। तो टी डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये किसको डिनोट करेगा, इस ग्राफ के एरिया को शो करेगा। ओके फ्रेंड्स, सो वर्क की तरह ही है, वर्क की तरह ही है, बट डिफरेंस ये रहता है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। नाउ विल सी कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन कैसे होता है। उससे पहले देख लेते हैं कि हीट ट्रांसफर की में जो होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। वर्क ट्रांसफर के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1/P, 1/P को dW से मल्टीप्लाई किया था तो आपको dV मिल रहा था। सिमिलरली dQ एक पाथ फंक्शन है, ये देखो यहाँ पे लाइन लगाई हुई, तो dQ एक पाथ फंक्शन है और इसको 1/T से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और यही थी हमारी इंटीग्रेटिंग फंक्शन फैक्टर की डेफिनेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको जब भी हम किसी पाथ फंक्शन या ठीक है जो आप एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बोलते हो उनको उनसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल स्टडी कि जो हीट ट्रांसफर होता है ये एक पाथ फंक्शन कैसे होता है, हाउ दिस हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। इन सिमिलर वे जैसे कि हमने स्टडी किया था वर्क ट्रांसफर के अंदर, 1 to 2 जाने के लिए मैंने एक और प्रोसेस फॉलो किया, एंड अगेन 1 to 2 जाने के लिए मैंने एक और प्रोसेस फॉलो किया। नाउ वी कैन सी द एरिया, जैसे मान लो इस प्रोसेस को मैंने ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। नाउ वी कैन सी द एरिया अंडर ए इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया अंडर बी इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया अंडर सी, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि मतलब एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एरिया चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है, प्रोसेस के साथ चेंज हो रहा है। सो इट इज ए पाथ फंक्शन, हमारे स्टेट्स पॉइंट जो इनिशियल एंड फाइनल है वो सेम है बट प्रोसेस इज डिफरेंट। ओके ठीक है फ्रेंड्स, सो हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन होता है, कैसे होता है हमने समझ लिया। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक मैंने क्या बताया कि जब भी आप जैसे मान लो ये एक हीट होता है, हीट को हम देखते हैं द मास जिसकी हीट है, ठीक है, जब मास जिसके अंदर की हीट स्टोर्ड है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है आपको डेफिनेशन में अभी क्लियर करूंगा, और डेल्टा टी जिस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये हीट फ्लो हुई, ठीक है। सो सी विल बी क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, एंड द यूनिट्स क्यू इज जूल, एम इज केजी एंड डेल्टा टी केल्विन। सो स्पेसिफिक हीट क्या होती है फ्रेंड, फिजिकल मीनिंग इसका क्या होता है, फिजिकल मीनिंग ये होता है जैसे मान लो कि दिस इज अ पेन, ओके, और इस पेन की स्पेसिफिक हीट क्या हुई, ये पेन पर यूनिट मास के अंदर और पर यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए जितनी हीट स्टोर कर सकता है वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से सुनिए, पर यूनिट मास, ठीक है, इस पेन का पर यूनिट मास लीजिए और उसमें पर यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए जितनी हीट स्टोर कर सकता है दैट इज द स्पेसिफिक हीट। ओके फ्रेंड्स, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो हीट एक प्रॉपर्टी नहीं है, वी नो दिस, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इट इज ए पाथ फंक्शन। सो स्पेसिफिक हीट भी एक पाथ फंक्शन हुई क्वालिफाइड विद प्रोसेस। तो क्वालिफाइड विद प्रोसेस मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं गैसेस के अंदर, तो गैसेस के अंदर ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। गैसेस के अंदर अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट को सीपी से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिमिलरली कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड और सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट जो होती है वो प्रोसेस पे डिपेंड
नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, लिक्विड्स और सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है आपकी वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है आपकी वो प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर में हमने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो आपका डेंसिटी रहती है, ठीक है, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आता है, जिस तरह से उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आता है, उसी तरह से स्पेसिफिक हीट के लिए जो प्रॉपर्टी अपने को चाहिए होती है उन प्रॉपर्टीज के अंदर खास इफेक्ट तो पड़ता नहीं है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। तो लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो आपकी कॉन्स्टेंट रहती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू कैन रिमेम्बर। ओके, नाउ हीट कैपेसिटी क्या होती है? वही स्पेसिफिक हीट को जब आप किसी मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेटेंट हीट क्या होती है? फेज चेंज के अंदर लेटेंट हीट काम आती है। अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी आइस है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपकी वाटर के अंदर बदल जा रही है, ठीक है, चेंज हो रही है। तो अभी इसमें कुछ हीट तो दी ना आपने, टेम्परेचर तो हालांकि नहीं बढ़ा लेकिन उसके अंदर कुछ हीट तो डंप की आपने। दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, दिस इज नॉट सेंसिबल। सेंसिबल तो आपको पता चल रहा है, जैसे हम टेम्परेचर चेंज इज सेंसिबल थिंग, तो सेंस से हमें जो पता लगा सकते हैं दैट इज सेंसिबल, बट लेटेंट हीट जो है वो सेंस से पता नहीं लग पाती है। दिस इज द गुप्त ऊष्मा। ओके, मतलब सीक्रेट मैनर में दी गई एनर्जी जो टेम्परेचर पर चेंज नहीं होने दे रही है लेकिन फेज चेंज करे जा रही है। ठीक है, तो फेज चेंज आपका क्या होता है? फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। फ्यूजन में क्या होता है, वेपराइजेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है? जैसे मान लो वेपराइजेशन में आपका लिक्विड से सीधा वेपर में चले गए, फ्यूजन में आपका सॉलिड से लिक्विड में चले गए, और सब्लिमेशन में आपका सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर में चले गए। तो तीन तरह से फेज चेंज हो जाए, तीन तरह की प्रोसेस है। तो लेटेंट हीट इन फ्यूजन, जब आप आपके सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, जब लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जा रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो फ्रेंड्स इन दोनों की बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो मैं तो यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड टू वेपर जा रहे हैं, तो इस पे जो प्रेशर का इफेक्ट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज वेरी मच इफेक्टेड बाय प्रेशर, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है या लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है, दीज टू आर नॉट मच इफेक्टेड। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो पाता है, अफेक्ट नहीं हो पाता है प्रेशर की वजह से। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मच अफेक्टेड बाई प्रेशर। ये जो कैपिटल का ये जो निशान लगाया है मैंने, ठीक है, ये ज्यादा के लिए नहीं है, मच इफेक्टेड बाई प्रेशर, ये दिखाने के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं ना फॉर प्रेशर, ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है। ओके, इट डिपेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, नाउ नाउ वेलकम टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी हमने जितना भी है अपना हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ लिया है, अब वी आर एबल टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वी हैव सीन द हीट एंड वर्क आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेम एंटिटी इज द एंटिटी इज एनर्जी। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया, थोड़ी कॉपी टिल्ट थी और मैंने ध्यान नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या लगा है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, दिस इज थर्मोमीटर, ये पुली है, ठीक है, और ये यहाँ पे डेड वेट। अब वेट मान लो इनिशियल पोजीशन इज दिस, और इस इनिशियल पोजीशन से इस वेट को जब हम ड्रॉप करते हैं तो वेट ड्रॉप होता है, वेट ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे ये घूमता है, इसके अंदर ये फैन लगा हुआ है, तो इसकी वजह से स्टीरिंग होती है लिक्विड के अंदर, स्टीरिंग की वजह से इसका टेम्परेचर जो होता है वो राइज करता है। ओके, सो वी आर सेइंग कि जब वेट जब नीचे आता है, जब नीचे की तरफ मूव करता है, देन वी हैव सप्लाइड सम हीट इनटू दिस चैम्बर। ओके, सिमिलर इन द सिमिलर मैनर हमने क्या किया कि सॉरी, हमने हीट नहीं यहाँ पे वर्क ट्रांसफर किया है। ओके,
हीट ट्रांसफर थोड़ी क्या है, वर्क ट्रांसफर किया हमने, नीचे यहाँ जा रहा है तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो इन सिमिलर मैनर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये एडियाबेटिक इंसुलेशन था यहाँ पे पहले, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लो इसका पहले टेम्परेचर था T1, टेम्परेचर इसका राइज करेगा, वर्क ट्रांसफर किया तो टेम्परेचर इसका पहले T1 था, बाद में राइज होके T2 हो गया वर्क ट्रांसफर करने पे। अब हमने एडियाबेटिक इंसुलेशन हटा दिया और वापस इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में आने दिया, जैसे स्टेट 1 to 2 टेम्परेचर राइज, ठीक है, टेम्परेचर राइज, प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, तो अब हमने क्या किया इसमें, इसको एडियाबेटिक जो इंसुलेशन है यहाँ पे हटा दिया, और हटाने के बाद इसको वापस ठंडा किया, तो एनवायरमेंट के साथ जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वापस T2 से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1, तो हीट जो है इसे बाहर निकलेगी। प्रोसेस 1 to 2 में हमने वर्क ट्रांसफर किया, प्रोसेस 2 to 1 में फिर से हीट ट्रांसफर बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय जूल, और जूल ने क्या फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली, जब बहुत सारे प्रोसेस किए ऐसे, तो उसने फाइंड आउट किया कि जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है स्टेट सॉरी प्रोसेस 1 to 2 में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर प्रोसेस 2 to 1। ओके, तो प्रोसेस 2 to 1 में वो हीट ट्रांसफर के इक्विवेलेंट आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से इस प्रोपोर्शनलिटी के जो है निशान इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, जूल। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से उसने क्या फाइंड आउट किया, दिस इज फॉर प्रोसेस, तो उसने एक साइकिल के लिए फाइंड आउट किया, ठीक है, साइकिल के लिए समेशन ऑफ ऑल वर्क इन ए साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू समेशन ऑफ ऑल हीट इन द साइकिल, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ क्लोज सिस्टम, और यही आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ क्लोज सिस्टम। सो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी जनरेटेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो आपने बोला उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज शोन हियर। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये जो लॉ होता है फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम, एक साइकिल के अंदर जो क्लोज सिस्टम चल रहा है उसके लिए ये ध्यान रखना। अभी क्या है, मैंने एक और एक एग्जाम्पल लिया इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा और मैथमेटिकल मॉडल देने के लिए। एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है और उससे बाहर कुछ वर्क ट्रांसफर हो रहा है। अभी मैंने इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे हीट ट्रांसफर, बहुत सारे वर्क ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, यू कैन सी हियर। सो मैंने आपको बताया कि वर्क ट्रांसफर जो होता है जब सिस्टम पे कर रहे हैं, फॉर W1 विल बी पॉजिटिव क्योंकि सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, W2 विल बी नेगेटिव क्योंकि सिस्टम से बाहर निकल रहा है वर्क। सिमिलरली W3 जो है आपका, यानी W3 वर्क सिस्टम से बाहर आ रहा है, सिस्टम कुछ काम कर रहा है, सॉरी भाई मैंने गलत ले लिया, सिस्टम कुछ काम कर रहा है तो ये पॉजिटिव, सिस्टम पे कुछ काम कर रहे हैं तो नेगेटिव, सिस्टम कुछ काम कर रहा है तो पॉजिटिव। सिमिलर मैनर में, मैं आपको बताया नहीं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, दैट विल बी पॉजिटिव, वर्क अंदर जा रहा है तो नेगेटिव, हीट अंदर जा रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर आ रही है, दैट विल बी नेगेटिव, सिमिलरली दिस हीट विल बी पॉजिटिव। सो मैं देखूं, अगर इस सिस्टम के अंदर टोटल हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर, इस टोटल हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। अब आप कहेंगे सर ये तो प्रोपोर्शनलिटी थी, इक्वल कैसे कर दिया आपने, तो प्रोपोर्शनलिटी थी। आप देखिए फ्रेंड्स, SI यूनिट सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हीट और वर्क दोनों को, ठीक है, एक यूनिट में लिखते हैं जूल, और यहां पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इट मींस दे आर इन जूल। ओके, सो इस केस के लिए, पर्टिकुलर इस केस के लिए, इन SI सिस्टम केस के लिए, वहां पे जो जूल होता है इसकी वैल्यू होती है 1 न्यूटन इंटू मीटर पर जूल। पर्टिकुलर इस केस के, SI सिस्टम के लिए बात करें, प्रोपोर्शनलिटी होती है वहां पे, जे आपका लेते हैं, जूल्स कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, इन जनरल, वो इन जनरल बात की थी हमने, लेकिन इन SI सिस्टम के अंदर हम क्या बोलते हैं, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल हीट ट्रांसफर, ठीक है। देख सकते हैं आपको वर्क डन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर यानी कि जूल, और यहां पे आपने क्या ले लिया, सो हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होती है, हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होती है, अगेन
जूल के अंदर, तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू जूल से जूल कैंसिल होके यही आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से इनको बराबर करते हैं किसके अंदर, ऐसा यूनिट के अंदर, जे की वैल्यू वहां पे 1 न्यूटन इंटू मीटर पर जूल लेते हैं, ओके। अब ये तो था हीट ट्रांसफर के लिए और वर्क ट्रांसफर के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक्चुअली क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम फर्स्ट लॉ के अंदर डिराइव करते हैं इंटरनल एनर्जी को, या इंटरनल एनर्जी, एनर्जी इन स्टोरेज। सेकेंड लॉ के अंदर डेफिनेशन निकल के आती है एंट्रोपी की, ठीक है। फर्स्ट जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है कहते हैं जनरली ई तीन ई से मिलकर बनाता है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, ओके। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे एनर्जी की डेफिनेशन निकल के आती है, ये तो था एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म, ठीक है। यू कैन सी एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म के अंदर है तो वर्क एंड हीट, बट एनर्जी इन स्टोरेज फॉर्म के अंदर है, ठीक है, तो एनर्जी के स्टोर होती है तो वो दो तरह से होती है, एक तो मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड माइक्रोस्कोपिक आपकी हो गई इंटरनल एनर्जी। इसको पढ़ने से पहले देखते हैं एक्चुअली इंटरनल जो एनर्जी है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आती है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा लो जो है वो है हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, ओके। बट अगर एक सिस्टम के अंदर हमने हीट ट्रांसफर की, हमने पहले सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर इज ए लो ग्रेड एनर्जी, हीट ट्रांसफर जितनी करते हैं उतना का उतना वर्क तो बनेगा नहीं। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर की तो कुछ हीट जो है उसके अंदर स्टोर हो गई सिस्टम के अंदर और बाकी उसने क्या कर दिया, काम कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ हीट जो है उसके अंदर स्टोर हो गई और बाकी वर्क डन, ठीक है। तो अब एक मिनट, वीडियोस बनाते टाइम नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। आज शायद आपको आवाज थोड़ी क्लियर आए क्योंकि आई यूज द माइक्रोफोन हियर, ओके। जनरली आई डिडेंट यूज, जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे थोड़ा समझ में आएगा। आई थॉट इट इज़ ए वेरी इजी टास्क, लेकिन समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इट इज़ नॉट ए इजी टास्क, ओके। और पढ़ाना तो वैसे इजी नहीं होता है। तो ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं। तो अब कुछ हीट, जैसे मान लो मैंने क्यू हीट उसके अंदर दी, डब्ल्यू वर्क बाहर आ रहा है, कुछ हीट उसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। तो दिस डिफरेंस ऑफ दिस हीट एंड वर्क विल बी द सम स्टोर्ड एनर्जी, डेल्टा ई। तो डेल्टा यानी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, क्यू विल बी या हीट ट्रांसफर विल बी डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। ध्यान रखना ये डेल्टा ई है, ठीक है, एनर्जी नहीं है, चेंज इन एनर्जी है, ओके। सो हीट ट्रांसफर विल बी चेंज इन एनर्जी प्लस, ठीक है, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन। तो ये हो गया प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो एनर्जी है चेंज इन एनर्जी, इसमें हम देखते हैं कि दिस एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने देखा हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, सो एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये हम यहां पे प्रूफ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लो ये आपका पीवी डायग्राम है, ठीक है, ये आपका पीवी डायग्राम है। स्टेट 1 2, स्टेट 2 किसी एक प्रोसेस ए के थ्रू आप जा रहे हो, एंड उसी तरह से स्टेट 1 2, स्टेट 2 किसी दूसरे प्रोसेस बी के थ्रू आप जा रहे हो, और सी के थ्रू स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ रहे हो। सो वी हैव टू साइकिल हेयर, ओके, वी हैव टू साइकिल हेयर, साइकिल 1 A 2 C 1, एक तो साइकिल ये है आपका और एक साइकिल 1 B 2 C 1 है। साइकिल 1 A 2 C 1 के लिए देख लेते हैं। साइकिल 1 A 2 C 1 के लिए द वर्क द हीट ट्रांसफर विल बी Q1 to 2 इन साइकिल ए, ठीक है, सॉरी प्रोसेस ए के लिए, और दिस विल बी डेल्टा ई प्रोसेस ए के लिए,
इस जनरली मैंने इसको लिखने के लिए लिखा है ताकि पता रहे किस प्रोसेस की बात चल रही है। ओके ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इसी तरह से प्रोसेस सी के लिए देख लेते हैं। क्यू टू टू वन फॉर प्रोसेस सी इज इक्वल टू डेल्टा ई फॉर प्रोसेस सी प्लस डब्ल्यू टू टू वन फॉर प्रोसेस सी। अब हम एक साइकिल के लिए जानते हैं, वी नो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल। ये जो था ये प्रोसेस के लिए हमने एक डेराइव किया था। अब साइकिल के लिए हमें पता ही है कि साइकिल के लिए लॉ क्या रहता है, ये वाला पूरे साइकिल के लिए। तो साइकिल जो है आपका 1A2C1, इस साइकिल के लिए आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या निकलता है, क्यू ए, इसको मैंने बेसिकली क्यू ए लिख दिया, क्यू ए ठीक है, प्लस टोटल हीट ट्रांसफर कितना है क्यू सी, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू सी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ क्यू सी प्लस डब्ल्यू सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप इस रिलेशन से देख सकते हैं दिस क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा ई ए, दिस विल बी इक्वल टू क्यू सी माइनस डब्ल्यू सी, होता तो डेल्टा ई सी होता, लेकिन यहां पे डब्ल्यू सी माइनस क्यू सी है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ डेल्टा ई सी। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है, अभी तो हमने बात की साइकिल 1A2C1 के लिए, अभी हम बात करेंगे साइकिल इन द सिमिलर मैनर साइकिल 1B2C1 के लिए। ओके तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन आएगी, क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा ई बी प्लस डब्ल्यू बी एंड क्यू सी इज इक्वल टू डेल्टा ई सी प्लस डब्ल्यू सी। ओके सो साइकिल के लिए जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी, एंड ये हो जाएगा क्यू बी माइनस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू सी प्लस डब्ल्यू क्यू सी प्लस डब्ल्यू सी। तो ये अगेन ऊपर किए गए प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिस डेल्टा ई बी इज इक्वल टू डेल्टा ई सी नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या पता चला, इन दोनों को देखिए, माइनस नेगेटिव सी माइनस नेगेटिव डेल्टा ई सी, तो इन दोनों से पता चला कि डेल्टा ई ए इज इक्वल टू डेल्टा ई बी, मतलब चाहे आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, द चेंज इन एनर्जी इज सेम, इट मीन्स दिस डजंट डिपेंड अपॉन साइकिल, ये साइकिल के ऊपर, सॉरी दिस डजंट डिपेंड अपॉन प्रोसेस, ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो चेंज इन एनर्जी इज सेम, सो इसके मतलब हम कह सकते हैं द एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके और वैसे भी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ दिस चेंज इन एनर्जी, ठीक है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके, वट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड वट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये जितने भी फॉर्म्स हैं कैसे कैसे किन किन चीजों में हमारे यूज में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके टिल देन कीप स्टडिंग, ओके एंड टेक केयर, थैंक यू।